डिस्क्लेमर। वैसे हमें ये देने की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी एक जिम्मेवार रेडियो के जिम्मेवार आरजे होने के नाते आपको सावधान करना हमारा फर्ज बनता है, सो हम कर देते हैं। यदि हमारा शो सुनकर आपकी डायबिटीज या बीपी क्योर हो जाती है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं चाहते। और अगर हमारे शो में हंस हंस कर आपका ब्लड ओवरफ्लो हो जाए तो आप अपने नजदीकी ब्लड बैंक में जाके उसे डोनेट कर सकते हो। यदि हमारे जोक आपको समझ आ रहे हो तो ये हमारी खुशकिस्मती है, यदि समझ में नहीं आ रहे तो क्या करते हो यार, मैकेनिक के पास जाओ यार। अगर हमारे शो को लेकर आपके पास कोई भी फीडबैक या सुझाव हो तो प्लीज 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 मेहरबानी करके वो अपने पास ही रखिए, हमें देने या हम तक पहुंचाने की बिल्कुल भी चेष्टा मत कीजिए, हमें आपके सुझावों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही बहुत समझ आ रहे हैं। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। हे सेक्सी लेडी, ओह बेबी, आई एम योर मैन। आगे आपका हरदी लजीज, नाम है मंचले मनीष, लेकर आपका अपना शो कॉमेडी का क्रोकोडाइल। तो बने रहिए घंटा मेरे साथ और सुनते रहिए शो कर, एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान को। दोस्तों, इस हफ्ते फिर से हाजिर हूं मैं मंचले मनीष आप सभी को गुदगुदाने के लिए। तेजा मैं हूँ, मार किधर है, भाड़ में गया मार्क, मैं इधर हूँ यार, मैं तेजा हूँ, मार किधर है। इन्हें तेजा कहो या बाबू भैया, हर किरदार को दिया इन्होंने। ये है हम सभी के फेवरेट परेश रावल, बताऊंगा इनके बारे में और सुनाऊंगा इनके कुछ यादगार कॉमेडी सीन्स। तो दोस्तों, हंसने के लिए हो जाओ तैयार। इनका जन्म 30 मई 1950 में हुआ मुंबई शहर में, और इन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि इन्हें तो एक्टर बनना है, इसलिए अपनी पढ़ाई में कम रुचि दिखाते थे। इनकी स्कूल की प्रिंसिपल ने इनसे कहा था कि अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो कोई बात नहीं, तुम्हारा मन एक्टिंग में लगता है तो इसी में मेहनत करो, इसी में आगे बढ़ो। आज इनकी मेहनत का ही नतीजा है जो इनका बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम हो पाया। अपने शुरुआती दौर में ये थिएटर किया करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी पहली फिल्म में कमाल कर दिया था, फिल्म का नाम था अर्जुन। इन्होंने इस फिल्म से दिखा दिया था कि सिल्वर स्क्रीन पे एक नया दमदार एक्टर आ गया है। फिर उसके बाद आई होली, फिर महेश भट्ट की फिल्म नाम ने तो सब कुछ बदल के रख दिया। क्या कमाल का नेगेटिव रोल किया था इस फिल्म में इन्होंने, लेकिन हमें तो नेगेटिव नहीं, कॉमेडी सुननी है इनकी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं इनका एक कॉमेडी सीन, इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए रेडियो डॉन को। फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाना मत यार, शो भी बाकी है। बाबा फर्स्ट क्लास है ये। ओ मेरे साईं देवा, तेरे सब नाम लेवा, थोड़ा तो दे दी बाबा। अरे बाबा बोला ना तेरे को फर्स्ट क्लास है। अरे गाना भी फर्स्ट क्लास है उस्ताद, इसलिए पूरा गा रहे रहा हूँ। चिरिड़ी वाली साईं, ए अंधे, शाना समझता है क्या? क्या अंधा शाना नहीं होता है क्या? हम काने है तो क्या हुआ भाई, शाने चल चल निकल थोड़ी इधर से। अरे ए धक्का मारता है साले, थर्ड क्लास की औलाद के फर्स्ट क्लास में बैठता है। ये फटी चप्पल, तेरे को कैंसर होएगा, उसका इलाज करवाएगा तेरे को, एड्स होगा, एड्स, एड्स होगा, एड्स होगा रे। अरे गई गई ट्रेन इलियास भाई, काय को गला फाड़ रहे हो? अरे मेरा गला तो है फटेला, लेकिन उसकी ऐसी फटने वाली है कोई मर के अस्पताल जाएगा और गला खोल के दिखाएगा, बोलेगा मेरे को कैंसर तो नहीं है ना, जरा देख रहे यार। सलामुअलैकुम मुस्तक भाई। वालेकुम सलाम भाई। चलो शान पत्ती छोड़ और ये लॉटरी रख, ये ले ले ले।
लॉटरी चंदू के गहरे जबरदस्ती आजमा ले, शायद तेरी किस्मत खुल जाए क्या। अरे किस्मत तब खुलेगी जब बदन पे झकास कपड़ा होगा, कपड़े में होगी जेब और जेब में होगी हरी पत्ती रोकड़ा। अरे मुश्ताक भाई यार, तेरा कुछ भी करके पैसा होना चाहिए जिंदगी में, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बार मैं अमीर बन गया ना, अल्लाह कसम मैं हवाई जहाज का टिकट खरीदेगा और बदन पे फर्स्ट क्लास सूट डालेगा और इंग्लिश में गाना गा के साथ तबीयत से भीख मांगेगा। मैं देख रहा हूँ। और उसकी माइकल आलो जैक्सन का गाना है ना, वो बिड़ी दही बिड़ी दही बिड़ी दही बिड़ी दही तेरी बापसी मांगी मेरे को बिड़ी दे बिड़ी दे बिड़ी। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार है। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। मैं आनंद आठलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 02266838637। वेलकम। एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I'm your man। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई प्रकार के रोल निभाए हैं, चाहे वो करेक्टर रोल हो, कॉमेडी हो या फिर विलनगिरी, और हर रोल को इन्होंने बखूबी निभाया है। एक फिल्म आई थी वेलकम, जिसमें ये डॉक्टर बने थे, और इसमें भी इन्होंने कॉमेडी करना नहीं छोड़ा। जब मजनू भाई इन्हें फिरौती के लिए इस फिल्म में फोन करते हैं तो इनके डायलॉग सुन के तो मजा ही आ जाता है। आप खुद सुनिए और हमेशा हंसते रहिए मेरे साथ, और सुनते रहिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल ओनली ऑन रेडियो डन ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो, और गंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? चार खोखे जल्दी से ढीले करो। अरे भाई ये बुटीक है, यहाँ पे लेडीज ड्रेस मिलते हैं, खोखे बोखे नहीं मिलते। अबे बिना भेजे की खोपड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़, और वो भी चार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?
अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी, जानता ना तू किससे बात कर रहा है? मजनू भाई नाम सुना है ना मेरा? हाँ सुना है ना, तूने तो अभी दो बार बताया मजनू भाई बोल रहा हूँ, मजनू भाई। तो मैं क्या करूँ रे? अबे ओ शाने पागल हो गया क्या तू? लगता है तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। अरे मैं हफ्ता मांग रहा हूँ हफ्ता, इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुझे प्रोटेक्शन चाहिए। एक काम कर, तू चार खोखे लेकर, मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ, और अगर चार जूते खाने हो तो दोबारा फोन करना। तेरे को भी मजनू से लैला नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी डॉक्टर घुंगरू नहीं। चल फोन रख। यार ये तो मेरी मां है यार। ए, चलो काम बंद करो। ए चल गए, चल। ये क्या हो रहा है? हमारे मजनू भाई को तू लैला बनाएगा? निकाल ए घाघरा, निकाल वहां से, निकाल ए तू चुन्नी, निकाल 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 जल्दी निकाल। अब तू लग रही है बराबर लैला, काली पीली नीली। चलो ले चलो इसे। मजनू भाई गलती हो गई, मुझे लगा मेरे साथ कोई फोन पर मस्ती कर रहा है। सच अगर मुझे पता होता कि आप फोन पर है तो मैं क्या ऐसे बोलता? तो क्या बोलता? ये क्या है बे? अभी तो क्या समझता मुझे? हाँ भाई भाई आप ठीक हैं? ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। अबे सुन, बिना सिग्नल के मोबाइल। सुन रहा हूँ भाई, बोलिए। कल तक मुझे 5 खोखे चाहिए, समझा? भाई भाई आपने फोन पे तो 4 खोखे बोले थे ना। वो फोन पर बोला था, अब भाई खुद चल के आए गाड़ी में तो पेट्रोल का खर्चा के तेरा बाप देगा। हा? हा? 1 करोड़ का पेट्रोल भाई? ठीक है ठीक है। अच्छा है भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी नहीं किया, नहीं तो 6 खोखे हो जाते। हाँ 6 ही हो जाएगा। कल शाम के 5 बजे तक अगर तूने 5 खोखा नहीं पहुंचाया तो तेरी 3 की फैमिली 6 हो जाएगी, समझा देना इसको। समझा, 3 का 6 कैसे होता? अरे 3 लोगों का फैमिली है, तीनों को बीच में से काटेंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे ना। चलो रे। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 02266838637। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox & Kings, accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. Welcome. एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I'm your man. शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। बॉलीवुड में एंट्री के बाद शुरुआती दौर में ये नेगेटिव रोल निभाते थे, '93 में इन्हें फिल्म सर के लिए बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला था। फिर इसके बाद इन्होंने कॉमेडी करनी स्टार्ट कर दी, चाहे वो फिल्म अंदाज अपना अपना हो या वो फिल्म
हेरा फेरी का तो इनका किरदार आज भी मशहूर है बाबू भैया। फिर तो इन्होंने एक के बाद एक कॉमेडी फिल्म करना शुरू कर दिया, भागम भाग, दीवाने हुए पागल, आवारा पागल दीवाना, ओ माई गॉड, काफ़ी लंबी लिस्ट है कॉमेडी फिल्मों की। तो दोस्तों मैं आपके लिए अगला सीन लेके आया हूँ फिल्म दीवाने हुए पागल से। इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल को ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो, अरे वाह, अब नया कुर्ता पहना है, मस्त है। वाह, ये कुर्ता नहीं कोट है, कोट। अरे कोट तो ये बाबा, ये कोट है। हा? अरे ये पैंट है। पैंट तो ये है जो हाथ में पहना है। अरे ये टाई है। रुमाल है, ये रुमाल। से पैदा हुआ ये रुमाल ये है रुमाल। हाँ, अरे बनियान है। अरे बनियान तो शर्ट के अंदर पहनते हैं यार। जो अंदर पहनते हैं उसको सॉक्स बोलते हैं। सॉक्स? अरे सॉक्स जूते के अंदर पहनते हैं यार। जूते के अंदर जो पहनते हैं उसको अंडरवेयर बोलते हैं। अंडरवेयर नहीं, अंडरवेयर। दिखा, आज पहना है इसको, अंडरवेयर बोलते हैं। ये लगता है तेरा घुटना खराब है, तू किसी प्लम्बर से इलाज करा। सच्ची बोलता हूँ मैं। हाँ, प्लम्बर से फट जाएगा ब्लाउज, फट जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू। किसका बर्थडे? अरे आप ही का बर्थडे है। मेरा बर्थडे नहीं है। क्यों, आप पैदा नहीं हुए थे? पैदा हुआ था, लेकिन तुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी पैदा हुआ था, आप भी पैदा हो, इस हिसाब से तो हम पैदाइशी भाई भाई हुए ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। फूल है ना, पेड़ पे लगा दे और निकलो यहाँ से। चलो। एक बार मैं आपका जीजा बन गया ना, उसके बाद मैं रोज एक एक गिफ्ट लाऊंगा साले। मेरी कोई दीदी है ही नहीं लाले। दो दो दीदियाँ छुपाता है अंदर, झूठ बोलता है जयंती लाल। किधर है जयंती लाल, कहाँ है? लो, आप अपना नाम भी भूल गए। तुम्हारा नाम क्या है? रॉकी। रॉकी तो मैं तुम्हें मंकी, टंकी या हॉकी कह के बोलो तो चलेगा? जयंती लाल मेरी जुबान बार लटक रही है। नहीं है? पीछे पूंछ मटक रही है। मैंने तुम पे कभी भी भौंका? नहीं। तुमने मुझे कभी भी खंबे को पानी पिलाते हुए देखा? एक मिनट, अभी तक तो नहीं। तो फिर मैं जयंती लाल कैसे हुआ? क्योंकि आपका नाम जयंती लाल है। ओ, जयंती लाल को मिलने की बहुत खुजली है ना तुम्हें। अभी बुलाता हूँ, सला ऐसा काटेगा ना। जयंती लाल मेरे कुत्ते को। जयंती लाल, तो आपका नाम क्या है? टॉमी मेरा नाम है। अरे बाप रे, क्यों भाई टॉमी? बेवकूफ, झूठे मक्कार टॉमी। ऐसा मैं सोचता था पहले तुम्हारे बारे में। और अभी? गधा, बेवकूफ, अनाड़ी। टॉमी, मैं था जो पहले इसके बारे में ऐसा सोचता था। आई एग्री। तो अब तुम क्या सोचते हो रॉकी के बारे में? सच पूछा जाए तो रॉकी जैसा जालसाज, कमीना और 420 आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। What? ऐसा मुझे भगवान भी आके कहेगा ना तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैं तो डरी गई थी। मुझे मालूम है ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मुझे मालूम है ये मेरी तारीफ इतनी क्यों कर रहा है। मेरे कान पका दिए इसने बोल बोल के। रॉकी जी, मुझे बोर्ड की सफाई करनी है रॉकी जी। अच्छा, एक घंटा कर ले बोर्ड की सफाई बस। एक घंटा? बाबा दो घंटे कर ले, इससे ज्यादा क्या करेगा तू? नहीं। देख दीदी कितनी भोली शक्ल है। अच्छा वो देख के चल, चार घंटे अलाउ करता तू, चार घंटे तू सुन लेके। दीदी किसकी दीदी? नहीं तो क्या दादी है? और सुन, ये हाथ ज्यादा इस्तेमाल मत करना, टूटा हुआ है ना, इसको इस्तेमाल मत करना। और बोर्ड की अच्छी तरह सफाई करना, मैं जरा इसको बता के आता हूँ, ठीक है? आजा बेटा आजा। सुन, 5-6 घंटे तक इस बोर्ड से बाहर निकलना मत, समझे? और यहाँ से जब मैं जाऊँ ना तो जोर से थैंक यू बोलना, समझे? नहीं तो मैं नहीं। अच्छा सब झाड़ू कट का मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है? ओके, एंजॉय योरसेल्फ। कम, थैंक यू, बाय टॉमी, बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू डेली पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से।
यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। वेलकम, एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। बहुत सारी फिल्में करने के बाद और अवार्ड जीतने के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया। इसमें भी इन्हें सफलता हासिल हुई। फिर इन्होंने प्रोडक्शन की लाइन में भी अपना कदम रख दिया। इन्होंने 3 टीवी सीरियल प्रोड्यूस किए थे जिनके नाम थे 3 बहुरानियाँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, लागी तुझसे लगन। लेकिन ये ज़्यादा कॉमेडी करना ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ एक और कॉमेडी सीन। इसमें ये पुलिस वाले बने हैं और कॉमेडी कर रहे हैं। आप भी सुनिए और हमेशा हंसते रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रेडियो डन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। खालिद भाई मेरा नंबर है। अरे यार तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गई की ना, बात है। ना 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 दोस्त है तो घर पे आ, चाय नाश्ता करके जा, इधर दोस्ती बिस्ती नहीं। बाय। देखे शाने तू कानून के आड़े आ रहा है, कानून के काम अटकाने के जुर्म में अंदर कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं साले। ए खालिद भाई अभी पीटा जाएगा क्या? चल। क्या तेरा नाम लिखा है क्या अंदर? लिखा है, नहीं लिखा तो लिख डालेगा। तू पुलिस में ना तो अपन भी हाई कोर्ट के जज का पर्सनल ड्राइवर है, पूरे खानदान का नाम लिख डालेगा। तो लिखना यार, आवाज अंदर जाके कर, इधर नहीं जा। बात करता, ए चल ना तू। खालिद भाई टेंशन है। अरे यार तू आधे घंटे से अंदर तो फिर भी टेंशन है। टेंशन दूसरा है। खालिद भाई अंदर टॉयलेट में मेरी बीवी के नाम के आगे मेरे घर का टेलीफोन नंबर लिखा है। अच्छा। अरे तू मेलिया, मेरी बीवी के नाम के आगे लिखता है 50 रुपीज ओनली। क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार। तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे 10 लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म। क्या 500? खालिद भाई मेरी बीवी क्या? अरे सॉरी सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी। एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना। मेरे को मालूम है किसने लिखा है। अच्छा कौन? पीटर। पीटर नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं यार, क्या नहीं नहीं, उस आज भी लिखने वाला है। क्या तू नहीं मानता? चल मैं अभी डिब्बा का डिब्बा और पानी का पानी कर देता हूँ। ये पीटर लिखना मत यार। ए लिखेगा, 1000 बार लिखेगा, डरता है क्या? देखा देखा ये साला, उसको कितना मैंने बाहर समझाया यार, तावड़े की बीवी के बारे में ऐसा मत लिखे और 50 रुपये तो मत लिखे। तो बोलता है आज तो मैं 5 रुपया लिखने वाला हूँ। इतनी महंगाई में 5 रुपये कैसे परवड़ेगा? आज वो गया खालिद भाई, कसम से कह रहा हूँ आज वो गया। आप बीच में मत आना, आपको मेरी बीवी की कसम, आप बीच में मत आना, आज वो गया। अरे मैं तो पुलिस वाला हूँ, फिकर मत कर, लास्ट में ही आऊंगा। तू फोड़ डाले, फोड़ डाल यार। पीटर क्या लिखता है? कम भाव लिखता है, मार। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4। तेरा नंबर आ गया, all the best। Good morning everyone। The topic of my speech is environment। Environment is the surrounding in which we live। It is a source of life।
Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ निकल गई ट्रेन, काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। वेलकम, एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I'm your man। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में हर बड़े स्टार के साथ काम किया है, चाहे वो अंदाज अपना अपना में आमिर खान या सलमान खान हो या फिर अक्षय कुमार और गोविंदा। और अक्षय कुमार के साथ तो इनकी कॉमिक टाइमिंग का तो कोई जवाब ही नहीं। इनकी फिल्म आई थी हेरा फेरी, जिसके 2 पार्ट बने थे। इसमें इन्होंने बाबू भैया नाम का किरदार निभाया था, जो आज भी बॉलीवुड में अमर है। इस किरदार से परेश रावल ने सभी के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई थी। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिल्म हेरा फेरी का वही बाबू भैया का पुराना अंदाज। इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल को, ओनली ऑन रेडियो डन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जल्दी उठा, देख किसका फोन है। हेलो देवी प्रसाद स्पीकिंग। हेलो देवी, मैं चमन झिंगा बोल रहा हूँ, आज मछली का क्या भाव है? कोई चमन झिंगा का फोन है? रख रख तेरी माँ की रख, एक तो इधर जान जा रही है, तेरे को मछली की सोच रही है। कौन सी जगह है रे? आ जाओ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। ये आवाज काहे की है? ये क्या कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो तुम? तो क्या हम लोग इधर पेशाब करने को नहीं बैठे? 4 लीटर दारू पीने के बाद यही हाल होने वाला है इनका। ये राजो। अरे एक दूसरे का नाम मत लो। समझ गया। राजू बराबर बोलते, ए श्याम तू सुना, राजू बोलता है नाम नहीं लेने का किसी का, समझा ना तू? तो मत लो ना। हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ, देवी प्रसाद जी घर में हैं? अरे कौन देवी प्रसाद, ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है, किधर है? अरे काय रे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या ये स्टार गराज है,
मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ, दैवी प्रसाद का घर नहीं रहे। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे, आपको कुछ बोलना था? चल बसे कूतरे साला, देख के नंबर डाल कर ये खूब साले। हेलो बाबू राव है? नहीं देवी प्रसाद है, बोल साला। रख दिया तो भी बात कर। हेलो हेलो देवी प्रसाद। नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे? सर वो मेरी मछली का क्या हुआ? वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। श्यामा देवी प्रसाद, देवी प्रसाद कूतरिया साल्या। इधर से तेरे को पीने का और आंगुली से धोने का और नहाने का पानी तेरे को मिलेगा, तू समझा ना? ये तो बहुत गहरा है। हाँ तो नीचे जाके नहाने का जरूरत नहीं है, बाल्टी से पानी बाहर निकालो कर इधर नहाने का। आजा संडास दिखाता हूँ। ये कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के बैठ या गाना गा? तुमको गाना गाने आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा, अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। क्यों? अंदर कड़ी नहीं है रे, और पहले तो दरवाजा भी नहीं था। अच्छा मेरा पीछे पीछे नहीं आने का, उधर जा कमरे में अपना सामान रख दे जा। जी। एक तो सुबह से प्रेशर नहीं आ रहा और ऊपर से इसको बाथरूम में घुसने का शौक है। काय रे? वो बाथरूम में कड़ी क्यों नहीं लगाते हो आप? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं? अरे तो जो लोग गैराज देखने आते हैं उनको बाथरूम क्यों दिखाते हो? वो गैराज देख रहे नहीं, इधर रहने आए। इस शैतान को यह कमरा दिया रहने के लिए? शैतान? इसने तो बोला था श्याम है। ये श्याम नहीं, जेब कतरा है। बाबूराव जी इसे गलत फहमी है। ए, चले चल 1, 2, 4 चल निकल यहाँ से चल। अरे? चल बोला ना चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाएगा। चल यहाँ से निकल। मैं बाबूराव जी से सुनना चाहता हूँ। बाबूराव से सुनेगा ना तू? बाबूराव मैं देखता हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगा, जरूर जाएगा यहाँ से, साला चोर कहीं का। भैया भैया बजरंग बली की कसम मैं चोर नहीं हूँ। आप जैसे भले आदमी को इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप ही बताइए, अगर मैं चोर होता तो क्या इतनी दूर से नौकरी की तलाश में यहाँ आता? मेरा भरोसा कीजिए, इसे समझाइए ना बाबू भैया। चले दुख भरी कहानी मत सुना, चल ये देखिए ना, बाहर चल ये तेरा बैग राजू, और चल तू, चल तू। अरे और ये ले तेरा कंबल, निकल यहाँ से, चल निकल। ये क्या कर रहा है? आप एक लफ्ज भी मत बोलिए। एक लफ्ज? कौन सा लफ्ज? मेरा मतलब आप बीच में मत आइए। नाम का है तेरा? बाबू भैया। बाबू भैया मेरा नाम है, तेरा नाम कैसे रखता है? मेरा नाम है, और तू सुन मैं इधर का मालिक हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरा भी कुछ बोलने का हक बनता है। राम श्याम। अरे तू कोई भी आम हो, तू अपना सामान उठा अंदर जा, जा। अगर ये अंदर जाएगा तो मैं घर के बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं तू जा सकता है, जा। अरे आप उसको अंदर रखने के लिए इतना बेताब क्यों है? वो फोकट में नहीं रहेगा, भाड़ा देगा। ये तू अपना सामान उठा अंदर जा। ठीक है तो उसका किराया मैं दे दूंगा। देवा 2 साल में फूटी कौड़ी नहीं दिया और उसका किराया भी देगा, तू जान है। मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। एक बात बता, तू सचमुच चोर नहीं है ना? नहीं बाबू भैया। हाँ वैसे भी चोर लोग चश्मा नहीं पहनते। चल ये बैग। थैंक यू। अरे नको रे, थैंक यू वैंक नको रे, वो दुकान पे जा और खंबा लेके आ। खंबा? खंबा दारू, दारू वहां जाके संतरे का बॉटल लेके जा। आइए सब लोग, आइए आ जाइए, आ जाइए आराम से आ जाइए। ए इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आइए आइए आइए। ये घर है कि बंदूक का कारखाना? नमस्ते भाभी जी। खाली पीले भंकस करता है। काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है? अरे काम वाली बाई है, भाभी थोड़ी है। ओ सॉरी यार। सेठ जी आ गए, सेठ जी, सेठ जी, ये 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 सेठ जी। नमस्ते सेठ जी।
जी, जी। हे हे भाई क्या कर रहे हैं? ए बंदूक हटा। आप लोगों को अंदर बुलाया है, ऑफिस में बुलाया है। आइए आइए, सेठ जी बड़े दयालु हैं। आइए आइए, तीनों आइए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, यही है वो तीनों कमीने। सेठ जी, इस कुत्ते ने मुझे बेवकूफ बनाया, आपका सारा रुपया इन तीनों ने खाया। इन तीनों को गोली मार दो और मुझे छोड़ दो सेठ जी। अरे ये झूठ बोलते हैं। इसने इसने बोला हम आपके पास आएंगे तो आप हमको पैसा दोगे, हमारी मदद करोगे। सेठ जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने बोला स्टॉप, ए स्टॉप, तूप ताप लेने ता दिवाली तेता पैता था यार तुम लोगों ने। दान से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ए त्या तुतुल पुतुल त्या। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। ए दानपति ले ले, सामने से जवाब, सामने से जवाब देता है तू। गोपरी तोलते ना फल डालूंगा। ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। अरे कैसा मारेगा लाख तीस को रे बाबा। अबे 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। बूढ़ा आदमी है बाबा, लच्छा नहीं रहा, लाख कैसे मारेगा। बहुत मारेंगे लो, चुप हो जाओ। अरे 20 लाख नहीं दे, 20 लाख दे। अरे मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, चुप रे, लेता हूँ। या तू तैयार है रे, अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख दे। ताले ताले, तेरे को समझ में नहीं आता, 20 लाख बोला तो तू क्या चप्पल चलता है? तेरी धोती पे डाल दूंगा मैं ताले। दिवाली जा पैसा तू ताले। तब 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 बिल्कुल तब 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 तला तो तब तला। हेलो, मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। क्या मायला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तोते उला दूंगा। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है, पिदल है मेरा 20 लाख रुपया। अता ता 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए ले। अबे तू मेरी नकल सदा है? नहीं 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 नहीं, मैं तो पैदा होने के साथ ही तोतला हूँ। मेरा बाप भी तोतला था, मेरा दादा तो ऑल के तरह तिंगल था। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल तोल रहा है, तोते ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था। गाता था माँ कसम, मैंने देखा इनका बाप ना, इनका दादा वो बैठ के गाना गाता था ऑर्केस्ट्रा में, मैंने देखा कसम से। गाता ले मेरा दिल, माता दिल तू ही मेरी मंदिर। पैसा खाया तूने, साला लौटा देना तो गोली से उड़ा दूंगा। बोल दिया, दे दे करे, मैं चलता हूँ। अबे दाता कहाँ है साले, चला पीछे मुझे देख। आइला इसका मुंह किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई। सुनो मेरे कुत्तो, इन लोगों पे धगाओ और जब मैं 2 साल सामान मिले उसे ले दे आओ, टट्टी बनियान सब ले दे आओ। ए साइड में रोक, साइड में रोक, साइड में रोक मेरे भाई। क्या हुआ, गाड़ी काय को रुका रहे? ये बिल्डिंग में रहता क्या तू? नहीं नहीं, ये बिल्डिंग में नहीं, वो गटर में। गटर में? मेरे को बहुत जोर से बाथरूम आया, मेरे को भी घर घर जाके करना। घर तक नहीं जाऊंगा, मेरा निकल जाएगा, प्लीज मैं यहाँ कर लेता हूँ गटर में, समझ जा कर। मेरा किडनी खराब है। राजू तेरा क्यों किडनी का बीमारी है? तू अभी तक बोला नहीं रे बाबा मेरे को। बाबू भैया मालूम है ना आपको, भाई साहब इनको जाने दो वरना इधर ही कर देगा वो, किडनी खराब है उसका। तो भागया तो? भागेगा क्यों मैं, अरे मेरा दिमाग खराब है, ये दोनों है ना तुम्हारे साथ, मैं भागेगा नहीं। ये क्या हमको गिरवी रखेगा रे तू? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जा 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 जल्दी जा राजू, जा 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 जा। बहुत भले आदमी हो तुम लोग। राजू जल्दी आ, साला पेशाब के लिए गिरवी रखता है हमको। ये बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे, दिन में 10 बार पानी पियो, 20 बार जाओ,
आधा जिंदगी साला बाथरूम में चला जाता है रे। ए, वो वापस क्यों नहीं आ रहे? कहीं भाग तो नहीं गया वो? मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा, गिर गया होगा कहीं। मैं उसको उठा के लेके आता हूँ। तू वापस नहीं आए तो? अरे मैं कैसे भागेगा, काय को भागेगा? बाबू भैया है ना आपके पास गिरवी। या क्या मेरे को क्या गले का मंगलसूत्र समझा गिरवी रखा जाता? वो पेशाब के लिए गिरवी रखेगा, तू हार्ट अटैक के लिए गिरवी क्या समझा? ए बाबा ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। ए तुम दोनों भी जा रहे इसके साथ में? मैं लेके आता हूँ उसको। राजू अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। ए चुप चुप, हार्ट अटैक है। ए ये लोग आए क्यों नहीं यार अभी तक? ओ अभी मेरी बारी है, मैं जाके देख के आता। ए चुप, एड़ा समझा क्या? तू इधर ही बैठ, हम दोनों देख के आते हैं। ए गुंडा भाई, ए गुंडा इधर है, ये गाड़ी लॉक कौन करेगा बाबा? ऐसा खुला नहीं छोड़ने का, मैं भाग गया तो मार। हाँ ठीक है। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू? भैया क्या माइला पॉकेट मार रहे? इतना चिल्लाते क्यों आप? अरे नहीं बाबा मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगेगा, नहीं आ सकता। अरे यार इनको समझाओ ना यार। अरे लॉक कैसा आएगा? लॉक ऐसा खुलता, चलो चलिए आप, चलो अभी चलिए ना, चलिए जल्दी चलिए। अरे कभी तो भागिए। ये शिंदे, ये मात्रे, ये सब जेंटलमैन लोग इधर आओ रे बाबा। भाई ये धोती वाली आइटम तो बहुत नच रही है। मैं बनाएगा ना पूरा एसी, एसी संडा और लोटा भी पूरा चांदी का, पूरा चाल में एसी कर डालेगा। किधर अपना माल इसने चोरी तो नहीं किया ना भाई? अबे ये काले चश्मे वाला सफेद कबूतर ये क्या चोरी करेगा रे साला? बाजू वाले के कुकर की सीटी बजती है तो इसकी सीटी बजने लगती है। अच्छा ये सब भाई लोग इधर आओ, आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में तीन तीन नल लगा देने वाला हूँ। जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल, और तीसरा नल? नहीं तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा, जिसको नहीं नहाने का है वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। ए एड़े, तेरे बाप की शादी है क्या रे? बाप ने शादी किया तभी तो मैं पैदा हुआ, तेरे जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। शाम तक तोते को पैसा देने और ये बाबू भैया बाहर उछल रहे। राजू बहुत बुरा सपना है, ये बाबू भैया सारे चौल के सामने पैसा आने से पहले ढिंडोरा पीट रहे हैं। अरे वो सचमुच ढिंडोरा पीट रहे हैं सारे चौल के सामने चिल्ला चिल्ला कर। क्या बात कर रहा है? हाँ मैं तो बोलता हूँ यार बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग यहाँ से निकल चलते, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे अपने को। उसको रोक, मैं ये सब कुछ संभालता हूँ। इधर पब्लिक में शोर नहीं करने का रहा। अबे मंदिर से चिल्लर चोरी कर क्या साले चिल्लर चोर? ये चोरी मंदिर से नहीं किया रे, चोर के घर से किया। बताऊं कल क्या किया मैंने तेरे को? बताऊं क्या बोलो? बाबू भैया 5,000 का लॉटरी लगा तो ढोल बजाकर पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत है? आप भी 5,000? 5,000 लगा तो सटिया गया। लो सुन लो, 5,000 की लॉटरी में तीन तीन नल, बेवड़ा कहीं का। चलो चलो रे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। चोर भैया जो प्यार जो बाबू भैया ये क्या कर रहे हो? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप सारे मोहल्ले में बर्थडे पार्टी मना रहे। बच्चा तो तेरे को बच्चा होने वाला है? ये राजू इसका शादी कब हो रही है बोलता? अरे है इसका शादी नहीं हुआ, शेख चिल्ली की फोटोकॉपी। रोकड़ा आया नहीं कि अयाशी शुरू? ये पिज्जा कैसे लाया? वो डोमिनो वाले का इसकी मैं ना कि 30 मिनट में नहीं आया तो फ्री देता है, मैंने उसका कर डाला। मैंने 30 मिनट के बाद आया पिज्जा। नहीं रे बाबा वो तो बेचारा 20 मिनट में ही आ गया, लेकिन मैं उसके सामने गया ही नहीं, वो मेरे को इधर उधर ढूंढता रहा और मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहा। जैसे 30 मिनट हो गया कि मैं कूदा, ला रे बाबा फ्री ला ला। तो मैं भी फ्री खाता हूँ, चलिए लाइए। हाँ तुम लोग दोनों बैठ के अय्याशी करो, मैं जाके काम करता हूँ, भंगार वाले को माल बेच के आता हूँ, ठीक है? हाँ यार जल्दी सौदा करके आज टोटले को चुकाने का आखिरी दिन है यार। अरे सैंपल लेके जा रहा हूँ, देख सैंपल, तू ये सैंपल के मुंह पे स्टेपलर लगा बस। ये धोतर चोर, धोतर, चलिए अब धोतर चोर। Thank you.
वेलकम। एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का शो आपको? मजा आया ना? इसी तरह हमेशा हंसने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल। मैं हर हफ्ते लाता रहूंगा आपके लिए एक नया कॉमेडियन, बताऊंगा उनके बारे में और सुनाऊंगा उनके कुछ यादगार कॉमेडी सीन। तो अब टाटा अलविदा कहने का समय आ चुका है। जाते जाते मैं आपको छोड़ जाता हूँ फिल्म आवारा पागल दीवाना के परेश रावल के कुछ कॉमेडी सीन के साथ, जिसमें इन्होंने एक भुलक्कड़ आदमी की भूमिका निभाई थी जो हर किसी के नाम भूल जाते हैं और यहां तक कि अपनी पत्नी का भी। इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान को। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी शो में। सुनते रहिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। विश्वजीत ओली विश्वजीत ले आ पढ़िए विश्वजीत। हाँ बोल, ये इसमें कौन सी साड़ी पहननी है? पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो? अरे भाई कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत, परमजीत। कौन परमजीत? मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है। अभी अभी सोना बेटा तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात बात में चिल्लाते रहने का है? ओहो डैडी, मेरा नाम सोना नहीं मोना है। ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल। डैडी जी मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है। ए यार तेरे को क्या हो गया चुनीलाल? मणिलाल। कौन मणिलाल? तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल। ये नाम मैंने कब रखा? बचपन से। बचपन से? बचपन से मेरा ये नाम है और मुझे अभी बताती हो तुम? ले अभी मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथी लाल है बस। ओ जीसस। जीसस? अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथी लाल है, अभी जीसस की डाउट। गेट आउट, जाओ जाके नाश्ता बनाओ वरना मैं तुम्हें काट खाऊंगी। आज मत काटना, अभी कल का जख्म पूरी तरह भरा नहीं है। चले सब दरवाजा बंद कर दो और खिड़की पे पर्दा लगा दो, लुंगी लटका दो, रंजीत की साड़ी लगा दो पर्दे की तरह। अरे मेरा नाम रंजीत नहीं परमजीत। अरे तू कौन से भी हार जीतो बाहरी इनाक से बोलो। मोना, हमारे नेबर में इंडिया का बहुत बड़ा डॉन आया जिसके सर पर 2 करोड़ का इनाम है। अरे इनाम मुझे भी देखने दो। 2 करोड़? अरे कहाँ जा रही है वो सर पर 2 करोड़ लेके थोड़ी ना घूमता है, मैं नहीं जाने दूंगा। मम्मी देखो अनमोल मुझे देखने नहीं देता। क्या आज फिर से तुमने मेरी बेबी का दिल तोड़ा? मैंने कुछ नहीं किया। तू जा, अरे अच्छा हो तो मुझे भी बताना। अरे बेबी की बा, वो बायोस्कोप नहीं है, गुंडा है, साला मार डालेगा, समझते नहीं है करमजीत तू। मेरा नाम करमजीत नहीं परमजीत है। तेरा कोई भी नाम हो गोली नाम देखकर नहीं चलती, घुस जाएगी गले के अंदर। बंद कर दरवाजा, बंद कर। मम्मी जी बहुत ही खतरनाक गुंडा है, कभी भी फायरिंग हो सकती है। सच मुच? हाँ। अभी हम क्या करेंगे? मैं तो बोलता हूँ 2 जोड़ी कपड़ा बांधो सीधा मुंबई। गुड आइडिया, मैं पैकिंग करता हूँ। तू पासपोर्ट ला, मैं जाकर टिकट निकालता हूँ। हाँ मैं पैसे देती हूँ, अभी की अभी टिकट ला। रुको, टिकट लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी वही बोलता हूँ, बिना टिकट प्लेन में चढ़ जाते ना TCI का ना, तो उसको $4-5 दे देंगे। हम लोग राजकोट में ऐसा ही करते थे। हाँ कोई कहीं नहीं जा रहा है, मैं तुम दोनों की चाल अच्छी तरह से समझ गई हूँ। डॉन का डर दिखाकर इंडिया भाग जाना चाहते हो? हाँ नहीं नहीं, ये तो सच्ची खतरनाक डेडली डॉन है ये। अगर वो डेडली डॉन है तो मैं भी डेडली डायन हूँ, उसमें तो कोई शक नहीं। Shut up! Just go to the kitchen and do your work. ओह कितनी लंबी सीढ़ी है ये। दामाद जी, चलो 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 जल्दी पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन क्यों? अरे भाई ये है ना, मैंने पुलिस के नाम ये लेटर लिखा है। जरा देख लेना अंग्रेजी बराबर है कि नहीं है। क्या है ये? मैंने लेटर में लिखा है कि हमारे बाजू में ना इंडिया का बहुत बड़ा गुंडा रहता है और मेरा साइन देखा, मैंने साइन अजीत के नाम का किया है। कौन अजीत? ले तेरी सासू मेरी वाइफ। लेकिन डैडी जी ये, जब गुंडे को पता चलेगा ना कि इन दोनों ने ये चिट्ठी लिखा तो गुंडा इन दोनों को खत्म कर देगा और बाद में पुलिस गुंडे को खत्म कर देगी। देखा, एक चिट्ठी है दोनों की छुट्टी। चल जल्दी किक मार। चल ये गाड़ी है। हाँ तो हाथ से किक मारो, भी लेट होता है। किक क्या, धक्का मारना पड़ेगा। बैटरी डाउन है इसका। बोल कहो तो मैं छोड़ दूं। ही इज डेंजरस।
हम लोग चले जाएंगे अपने आप हो भाई, अपने आप जाएंगे हो भाई। आइए लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट का क्या काम, हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, लिफ्ट लेके ऊपर थोड़ी जाना है। हम चले जाएंगे चले जाएंगे, मेरा मतलब है गाड़ी में मेरी। नहीं नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। 15 तो माइल जाना है, 7:30 ये चलेगा, 7:30 मैं चलूंगा। वैसे जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन नहीं जाना। बाहर आ गए और अंदर ज्वालामुखी है, जाए तो किधर जाए? आइए आइए, आ गए आप लोग। डार्लिंग, आई वाज वेटिंग फॉर यू। लगता है हम लोग गलत घर में आ गए। नहीं नहीं दामाजी, आप सही घर में आए हो। मुना बेटी, पापा के लिए ठंडा पानी लाओ। नारायण, मैं तो गर्म पानी से बर्तन धोता हूँ ना, ठंडा नहीं हो। बर्तन धोने के लिए नहीं, पीने के लिए। ये तो ठंडी लस्सी पिला दे। ओहो, लगता है इसमें सती ललिता की आत्मा घुस गई हो। सती ललिता नहीं, सती सावित्री। चलो चलो खाना खा लो, आपको तो भूख लगी होगी ना? अरे भूख तो जम के लगी है, लेकिन पहले खाना बनाना पड़ेगा ना। अभी तो हाथ छोड़ेगी तो मैं चूल्हा जलाऊंगा ना। खाना तैयार है। ये आशू है? ये है डार्लिंग, तुमने दूसरी शादी कब की? बुलाया तक नहीं हमको। ओहो, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, आओ खाना खा लो। देखो जी, तुम्हारी पसंद का हलवा। हलवा? वो हलवा खाना नहीं हो, वो हलवा खिलाकर ये ब्लैक एंड व्हाइट को जलवा करेंगे। प्राणनाथ, रोज रात को इंडिया जाने का सपना देखते हो ना? एक मिनट, ये प्राणनाथ कौन है? है? और साला मेरी तरह सपना क्यों देखता है वो? ओहो, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। ये लो तुम दोनों के पासपोर्ट। हमारे? हाँ, और ये लो आपके एयर टिकट। पासपोर्ट। जय खोड़ियार माँ, जय खोड़ियार माँ। साली हरामखोर, साली कुतरी, कुल्टा। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा मैं खामखा तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। वाह वाह, ऐसा प्यार से कभी किसी ने डाइवोर्स नहीं दिया होगा। मैं डार्लिंग, तुम्हारी कैद से छूटने के बाद में इंडिया में जब आजाद घूमूंगा ना, तेरा ही सपना देखा करूंगा। खरे कर, चल भाई पिनबॉल चल। रुको, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रही हूँ, सिर्फ 10-12 दिन के लिए इंडिया भेज रही हूँ। ले आ तो जमानत पर छोड़ रही है। हाँ, वो भी 2 करोड़ रुपए लेकर इंडिया से वापस आना है। 2 करोड़? अभी डार्लिंग तुम इस उम्र में दहेज मांगती हो? छी छी छी। ओ शट अप, ये देखो, ये तो हमारा एड्रेस है, मालूम है इधर कभी नहीं आने का हमको। अरे बाबा पीछे देखो। किधर? ओहो यहाँ देखो। अच्छा इधर, पूरा बोलना यार। ये तो गुरु गुलाब खत्री है। हाँ, और तुम्हें इंडिया जाकर विक्रांत को खबर देनी है कि ये आदमी हमारे पड़ोस में रहता है। नहीं, नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, करेंगे। तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं, 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 हम लोग इंडिया नहीं जाएंगे। ठीक है फिर, मैं विक्रांत को ये वाली फोटो भेज दूंगी और कह दूंगी कि तुम दोनों ने ही गुरु गुलाब को छिपा के रखा है। मम्मी जी, विक्रांत के हाथों नहीं मरना। तो फिर तुम्हें इंडिया जाना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो फिर हमारे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आधे घंटे में बंगला साफ कर दो, 15 मिनट में बर्तन साफ कर दो, 10 मिनट में कपड़े धोकर प्रेस कर दो, 5 मिनट में रात का खाना तैयार करो, और 2 मिनट में 1 मिनट में हम लोग इंडिया चले जाएंगे। और खर्चा ना हिसाब में डाल देने का, समझा? ट्यूबलाइट, वो लाइट किधर है? ओहो, आ होटल में लाइट नहीं। ये क्या है? मेरे ख्याल से पुतला है डैडी जी। लेकिन नंगा नहीं है वो। ये स्मगलर लोगों का पुतला मैंने पहली बार देखा हूँ। वाह, सोना पहना, ये असली लगता है भाई। ये क्या हो गया इसको? पता नहीं। आगे आगे अकलाता है। ये क्या बोला? कुछ नहीं, सॉरी, लगता है हम लोग गलत कमरे में आ गए। हाँ चले डैडी जी चले। सही कमरे में आए रहे तुम लोग। ओहो, तो आप गलत कमरे में आ गए। जा भाई जा जा, जा। ए, अपन भी सही कमरे में आए। लगता है हम लोग गलत होटल में आ गए। हाँ, ये
होटल भी सही है, नाटक ने सीधा खड़े लो। कमाल है, होटल सही है, कमरा है सही है, तो तुम भी हमारे साथ ही रहने वाले? लेकिन हमने तो भाड़ा दो ही आदमी का दिया है। हो एक काम करो, तुम हमको भाड़ा दे दो, इनडायरेक्ट इनकम समझ, और बाद में इधर एडजस्ट कर लेंगे ना। अभी देखो बात क्या है कि बुकिंग पहले हमने किया तो हम लोग तो दो आदमी पलंग पे सोएंगे, तुम चादर लेके नीचे सो जाना, समझ गया तुम? अभी व्यवहार का बात हो जाए, थोड़ा एडवांस वगैरह मिल जाए। एडवांस बुकिंग? अबे मुंह की खिड़की बंद कर, नहीं तो तेरे को करंट में हाउसफुल दे डालता हूँ। जानता है कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तुमने बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन है? ये इंडिया के बड़े बड़े भाई लोग है ना, अपन को छोटा छत्री बुलाते हैं, छोटा छत्री, छोटा छत्री, छत्री वालो छे। हाँ। नहीं चाहिए भाई हमको छोटा बड़ा कोई छत्री नहीं चाहिए। बारिश तो है नहीं, अभी छत्री लेके क्या करेगा? अभी छत्री लेकर ना तो मेरे को तो वाइफ को हिसाब देना पड़ेगा। हाँ समझ से बात है, जाओ दूसरी जगह जाके बेचो। अबे कमकल के चाय की पत्ती, अपन इधर से जाने के लिए, तुम दोनों को उठाने के लिए आए। देख भाई ताड़पत्री, एक छोटा छत्री। कौन छोटा छत्री? अरे अपन का नाम है छोटा छत्री। तो उसका क्या? अरे अभी तूने बोला ना ताड़पत्री। मैं क्यों अभी ताड़पत्री बोला? अरे तूने सोचा होगा कि अपन का नाम होगा। क्या तेरा नाम होगा? ताड़पत्री। लेकिन तू अभी बोला ना तेरा नाम छोटा छत्री है। अरे तूने बोला ना ताड़पत्री, तो मैंने भी बोला ताड़पत्री। कोई कुछ भी बोले भाई, तू अपना नाम चेंज मत करो, तू उसको फिक्स ही रख, इधर बाद में बहुत गड़बड़ होता है, तू समझा ना काजू कतरी। ये देखा इसने अंदर से ये निकाला है। अभी घुसड़ूंगा ना तेरा, वो भी निकालूंगा तेरे को, समझा? अभी दिमाग फिर गया ना तो तेरे को तड़ी पार कर दूंगा इस दुनिया से। चल इधर जाने का है, ये डान्ना के पास। ए छत्री, कौन है रे सैंपल लोग? इम्पोर्टेड सैंपल है ना, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। विक्रांत से मिलने आयो? अरे नहीं नहीं भाई, ये तो कुछ भी फेंकता है, हमको तो आपका दर्शन हो गया ना, हीरा पन्ना, चार धाम की यात्रा थी गई। हाँ चल भाई विक्रांत चल। अबे ओ अन्ना के सामने आका ना, ना कहा नहीं बोलेगा, वरना ऐसा छेड़ डालेगा ना, हाथ में सिर्फ वो रह जाएगा। हाँ, वो बोले तो। अरे वो रे वो, हाँ वो जो छिलने के बाद छोड़ा होता ना, वो क्या बोलते है उसको? पेंसिल? अरे नहीं रे, इसे चूस चूस के खाते और जिसका जूस बनाकर पीते है ना अपन, वो क्या है वो? तरबूज। अबे चुप है, तरबूज। अबे वो रे जो आगे से भी लंबा होता है, पीछे से भी लंबा होता है, आगे से भी जूस निकलता है, पीछे से भी जूस निकलता है, क्या बोलते है उसको? क्या बोलते रे? गन्ना। अन्ना तुम लोगो गन्ने की तरह छिल छिल के छोटा कर डालेगा, समझा ना? इतना सा डैडी जी, इसको भी आप जैसे भूलने की आदत है। ना हो, मैं तो खाली नाम बोलता हूँ, ये तो कुछ भूलता ही भूलता है, ये बोलता है तुम भूलता है। ए गुमनाम, चुप चुप चुप। लगता है दोनों बंदरों को पिंजरा दिखाना ही पड़ेगा। चलो क्या, अबे मुंह क्या देखता, चल। ये देखा कितना सरल ताला है, नहीं है? सु, 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 नहीं करने का गांडा, पानी का रंग पूरा बदल जाए। पुल है, स्विमिंग पुल बाले। चल विक्रांत ने बुलाया, चल। झूठ बोलने की सजा जानते हो तुम लोग? हम क्यों झूठ बोलेगा प्रशांत भाई, हमको तो भाई चुप रहिए। भाई लगता है दोनों की जुबान ऐसे नहीं खुलेगी, मुंह में गरम गरम वो डालना पड़ेगा अपना, वो क्या दूध? दूध? अरे दूध नहीं रे, जो गर्म होने के बाद लाल लाल होता है ना, वो क्या? वो सलिया। सलिया, वो भी उसका ठंडा हिस्सा। ठंडा हिस्सा? तो फिर गर्म कर रहे हैं क्या मतलब है? अरे क्योंकि सलिया का ठंडा हिस्सा अंदर रहेगा तो गर्म हिस्सा बाहर रहेगा, वो निकालेगा कैसा? मगर डालेगा कैसा? वो भी मैं बताऊं क्या? तू जा ले जा, क्या खाली करता लाता हूँ गरम। ए भाई ओ, वो सुई मत लाना, हम लोग बताते हैं पेड़ा भाई, हम लोग बताते हैं। पेड़ा भाई नहीं, येड़ा भाई बोल। भाई क्या है भाई, वो है ना हमारे पड़ोस में रहने को आया, पहले दिन जब उसने मेरे साथ झगड़ा किया था ना, तभी मैं तो समझ गया था कि ये तुम्हारे लोग की तरह आउटलाइन का आदमी है। ये हम लोग आउटलाइन क्या? क्या तेरी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बैटरी भाई, बैटरी बोल, ये पूरा मेरे दिमाग का नस का पूरा बैटरी डाउन कर दे, कर दे साला। येड़ा, ये दोनों बंदर सच बोल रहे हैं, उसका कोई सबूत? सबूत तो बहुत मजबूत है भाई, देखो एक तो उसका नाम रामू राघवन है और दूसरा उसको है ना इधर उसको गुलाब है। क्या नाम है भाई? वो नाम समझने को जाएगा ना अपन अपना नाम भूल जाएगा।